ये करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये खबरें आ रही थी मुंबई से, लोग मास्क पहनना पसंद नहीं कर रहे हैं, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फाइन लगाना पड़ रहा है, ये गलत बात है। डॉक्टर त्रिखा, इस बात पर रोशनी डालने के लिए शुक्रिया आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर त्रिखा। प्रायोजक हैं सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल शैम्पू एंड हर्बल हेयर ऑयल फॉर हेल्दी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर और housing.com, यहां सर्च खत्म करो। नसल का वाटर प्योरिफायर्स में है ORPH प्लस टेक्नोलॉजी जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम का भरोसा इंडिया के सबसे भरोसेमंद पाइप पर एस्ट्रो। चलो हाथ मुंह धो लो। हाथ मुंह धोना तो जरूरी है, पर क्या कभी नाक के बारे में सोचा है? इनविजिबल पोल्यूटेंट्स, डस्ट और जर्म्स नाक से शरीर में जाकर आपको बीमार कर सकते हैं। नया नेचुरल ऑक्ट्रोवन ब्रीथ क्लीन, ये बीमारी पैदा करने वाले पोल्यूटेंट्स और जर्म्स को नाक से वॉश आउट करे। हाथ के साथ नाक वॉश किया क्या? नया ऑक्ट्रोवन ब्रीथ क्लीन, योर डेली नेजल वॉश। बधाई हो दिल्ली, आपकी दोबारा चुनी हुई दिल्ली सरकार को 1 साल हो गया है। तरक्की के इन 6 सालों में दिल्ली सरकार ने खूब सारे काम किए जिससे दिल्ली पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जिन्होंने सबको रास्ता दिखाया, जैसे होम आइसोलेशन, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, ऑक्सीमीटर बांटना, शहीद कोरोना वॉरियर्स के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देना। कुछ ऐसे कदम थे जिससे दिल्ली मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने हर दिन लाखों दिल्ली वासियों को खाना खिलाया और मुफ्त राशन भी दिया। बिजली के क्षेत्र में हमारी दिल्ली देश का इकलौता राज्य है जहां पिछले 6 सालों में घरेलू उपभोक्ता के एनर्जी चार्जेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिसंबर 2020 में दिल्ली के 38 लाख परिवारों का बिजली बिल 0 आया है। इस बार पराली की समस्या का हल भी निकाला और अब दिल्ली के हमारे किसान भाई पराली को खाद में बदल पा रहे हैं जिससे प्रदूषण पर एक बड़ी जीत मिली है। और क्या कभी आपने सोचा था कि सरकारी स्कूल के रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से बेहतर आएंगे? बोर्ड एग्जाम्स में 98% रिजल्ट्स लाकर हमारी दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने ये भी कर दिखाया। सरकारी कार्यों में देरी के बारे में तो आपने पहले बहुत सुना होगा, पर कभी सुना था कि सरकार